डॉक्टर मोहम्मद आमिर जमील, मैंने अपना MBBS निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया और उसके बाद अपनी जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से की और अब मैं एज ए कंसल्टेंट सर्जन शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ और साथ में मसूद हॉस्पिटल कलमा चौक पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस मैं अपनी वहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा स्पेशल इंटरेस्ट जो मेरा है जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जनरल सर्जरी में जो ये है कि स्पेशली इन थायराइड, ब्रेस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्नियाज एंड ऑल द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज लाइक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टमीज एंड हर्निया रिपेयर्स। जनरल सर्जन बेसिकली जो है वो जो ओपन सर्जरी ज़्यादा करते हैं, जैसे जितनी की एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, अगर कोई छोटी आंत के, बड़ी आंत के अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइक कोई कैंसर वगैरह, तो उसको वो जो है ना बड़ा एक कट दे के, चीरा लगा के उसको करते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें लेप्रोस्कोपिक सर्जन से, तो लेप्रोस्कोपिकली एक ये है कि भी उसमें मिनिमल इन्वेसिव एक पोर्ट के ज़रिए जो है ना एब्डोमेन में एंटर हुआ जाता है, एक जिसका बिल्कुल मिनिमल स्कार होता है, वहाँ से कैमरे की मदद से उसको देखा जाता है और इंस्ट्रूमेंट से जो है ना उसको रिसेक्ट करके मिनिमल इंसिजन से बाहर आ जाता है। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि भी आपका जो एक तो इंसिजन जो है साइज़ बहुत मिनिमल होता है और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन और बैक टू द वर्क जो है ना, इस चीज़ का आपको एक बेनिफिट होता है और इसमें जो है ना हॉस्पिटल स्टे आपका जो है ना मिनिमल होता है। मॉडर्न इरा के साथ के भी जो है ना अगर हमारे पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हैं तो लाइक कोलिसिस्टेक्टमी के इस तरह के और अपेंडेक्टमी, हर्निया रिपेयर्स अगर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं तो इसके लिए आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फैसिलिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि इसमें मिनिमल स्कार एंड मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव स्टे एंड पेन, इस वजह से ये जो प्रोसीजर्स हैं कॉमनली एंड कैन बी परफॉर्म विद लेप्रोस्कोपिकली। जनरल सर्जरी में जो कॉमन डिजीज़ हैं जिसमें कि थायराइड डिजीज़ ज़्यादा हैं, ब्रेस्ट, अदर हर्निया एंड गाल स्टोन्स, इसमें थायराइड में ये है कि मोस्टली जो है ना हमें जो कंफर्ट फील होती है, डिसकंफर्ट फील होती है उसमें ये है कि आपके गर्दन में जो है ना रसोली बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में गिलड़ कहते हैं। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती हैं और ये उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे कि आयोडीन की जो हमारी नमक में कमी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है और जूँ जूँ ये वक्त के साथ बढ़ता है उसके साथ जो है ना आपको जो सांस की नाली और जो खुराक की नाली है उसमें दुश्वारी दे सकता है और उसके अलावा आपको जो है सोते हुए ये तकलीफ़ दे सकता है कि भी उसमें आपका सांस तकलीफ़ देगा। थायराइड जूँ जूँ ये बढ़ेगा, उसके अलावा ये है कि एक चीज़ आपके ऑब्वियस बिल्कुल फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है ना आपको सारी डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन इट्स ए ट्रीटेबल डिजीज़, इसको जो है ना ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन विद मेडिसिन इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए ये होता है कि सर्जरी इज़ द अल्टीमेट गोल के भी आप उसको जो है ना निकाला जा सकता है। इसमें थायराइड का जो है कुछ पार्ट पीछे रहने देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द जो ग्लैंड है उसको निकाल दिया जाता है, जो कि बाकी की ज़िंदगी है वो उस थायराइड जो है उसके साथ गुजारी जा सकती है। ब्रेस्ट डिजीज़ के वाले से ऐसे हैं कुछ चीज़ें, ये हमारी जो है ना फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं कि अगर आपकी वालदा, बहन, खाला, आपके ख़ानदानी ये मरूसी बीमारी की तरह बिहेव करती है कि छाती में कोई किसी किस्म की कोई गिल्टी बन जाती है या छाती से किसी किस्म का मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है, खून आना आता है, कोई सब्ज रंग का, कोई पीले रंग का पानी आना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के बीमारी के भी अगर आपके पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है कि भी आपकी फैमिली में आपकी नानी को, वालदा को, किसी बहन को, खाला को, तो अगर इस तरह की बीमारी है तो उसका ज़रूर आप चेकअप करवाएं, आप एग्जामिनेशन करवाएं, उसका ये है कि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और उसकी जो है ना उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज हो सके। अगर आपको इस तरह की कोई होता है, जिन फैमिलीज़ में ये चीज़ कॉमन है
एटलीस्ट उनको एट द एज ऑफ 35 ईयर्स उनको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन एंड 5 ईयरली 3 ईयरली अपना जो है ना क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय देयर जनरल फिजिशियन शुड बी डन के एनी सस्पिशियस पैथोलॉजी तो उसको रूल आउट होना चाहिए कि भी आया उसमें एज सच कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि ऑलरेडी उनकी किसी वालदा को नानी को या किसी बहन वगैरह को हो चुकी हो। और इसका भी बेहतर इलाज मौजूद है कि इवन इसमें यह है कि उस गिल्टी को निकाला जा सकता है और उससे जो है ना आपकी बाकी की ज़िंदगी जो उनका बिल्कुल डिजीज़ फ्री सर्वाइवल हो सकता हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद कुछ हमारा खौफ ये होता है कि भी शायद इसको निकालने से आपकी जो जिस्मानी उसमें खदोखाल में फ़र्क आ सकता है उसमें, तो इस चीज़ के लिए ये है कि आप इस नेगेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इसके साथ जो है ना दोबारा आपकी छाती को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसको रीइम्प्लांट किया जा सकता है कि उसको दोबारा ऐसी शेप दी जा सकती है कि आपको फ़ील ना हो कि भी आया यहाँ से यहाँ कोई चीज़ ऐसी निकाली गई है या उसकी वजह से आपको कोई डिफेक्ट फील हो, कि उसके लिए जो है ना कोई प्लास्टिक के इम्प्लांट्स आते हैं वो रखे जा सकते हैं या मसल फ्लैप प्लास्टिक सर्जन की मदद से मसल फ्लैप जो है ना ला के वहाँ पर रखे जा सकते हैं कि उसको दूसरी साइड की तरह की दोबारा शेप दी जा सकती है। इसी तरीके से जो लोग हर्निया के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं या उसके अलावा स्मोकिंग करते हैं क्रॉनिक उनको जो है ना कफ रहती है या बहुत ज़्यादा कोई दायमी कब्ज वगैरह का मसला होता है जिसकी वजह से वो जो है ना बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं वो जिसकी वजह से हमारे पेट का प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसकी वजह से बार बार स्ट्रेन करवाने की वजह से कुछ हमारे कुदरती जगहें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है ना हमारे वहाँ से हर्निया बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हर्निया बेसिकली होता ये है कि अबनॉर्मल जो है ना पेनिट्रेशन के भी एक जगह से चीज़ दूसरी तरफ ट्रेवल कर रही है, लाइक हमारे अबडोमिनल कंटेंट्स जो है ना वो हमारे ग्रोइन के अंदर जो हमारे है वहाँ से बाहर आना आ जाते हैं या इसी तरीके से हमारे नाफ के जो ऊपर जो है वहाँ से ये बाहर आ जाते हैं। तो ये बज़ाहिर आपको ऐसी बीमारी है कि जो वक्त के साथ साथ जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ये है कि अगर इसका बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये उस टाइम क्योंकि पीछे से डिफेक्ट छोटा होता है उसके दरमियान स्ट्रेन करके कफ करके वो अंदर से कंटेंट ज़्यादा बाहर आ जाते हैं तो हम अपनी ज़ुबान में उसको नेक कहते हैं कि जहाँ से ये चीज़ें सारी बाहर आती हैं। तो नेक का साइज़ और जो है ना कंटेंट का साइज़ अगर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए तो उसमें ये है कि कंटेंट के वापस जाने की जो है ना वो दुश्वारी हो जाती है या सम टाइम्स उसकी खून की सप्लाई को भी रोक देता है तो उसकी वजह से वो जो है ना इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उस टाइम में आपको हो सकता है कि भी हमारा आंत का हिस्सा या कोई वो जो है ना ज़ाय भी किया जा सकता है। इस वजह से अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है हर्निया तो आप अपने जो है ना फिजिशियन से अपना इसको ज़रूर एग्ज़ामिन करवाएं और इसका टाइमली जो है ना इलाज किया जा सकता है। इसकी आपकी इससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, इसकी वजह से आपके ऑपरेट करवाने से आपकी ज़िंदगी पे आपके रूटीन के ऊपर कोई ऐसे जितना कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। अगर आप इन बीमारियों के हवाले से मेरे से किसी बात पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ ऑनलाइन बुकिंग भी आप मसूदा हॉस्पिटल में आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मेरे से एडवाइस ले सकते हैं और उस चीज़ के लिए आप आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम।